भले ही हम आज 21वीं सदी में क्यों ना जी रहे हों, लेकिन जातिवाद की बेड़ियों ने आज भी जातिवाद को पूरी तरीके से अपने पैरों में जकड़ कर रखा हुआ है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक दलित की बेटी की बारात गांव के अंदर आई हुई थी। इसी बीच दूल्हा घोड़ी पर बैठा तो बाराती ढोल नगाड़ों के बीच शादी का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान दलित समाज की गांव के अंदर बारात चढ़ना सरवण जाट समाज के लोगों को नागवार गुजरी और गांव के अंदर बारात चढ़ने का विरोध करना शुरू कर दिया। तभी सरवण समाज के लोगों ने दलित समुदाय की बारात के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बारात में शामिल महिलाओं और लड़कियों के ऊपर अश्लील कमेंट करते हुए महिलाओं से छेड़खानी भी की। साथ ही पथराव के दौरान बारात में शरीक हुए लोगों की गाड़ियों को भी तोड़ दिया और बारातियों के साथ मारपीट की। वहीं बारात में मौजूद किसी युवक ने हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ठीक है, ठीक। उन्हें कमेंट वाई क्या करा, कमेंट वाई क्या करा, और अच्छा तुमने क्या बोला उन लोगों से? हमने ये भी तो बोला था उन लोगों, तुम लोगों ने ये भी तो बोला होगा उन लोगों से, भैया हमारी लड़की की शादी है। उसके बाद उन लोगों नहीं माने, उनके बाद तुम्हारी शादी बारात में पत्थरबाजी और वसूल कर दी। किन बारात चढ़ते टाइम करी है? अच्छा, वो लड़के कौन थे? तुम्हारे गांव के ही हैं? गांव का नाम क्या तुम्हारे का? कौन से जिला कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इधर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर SC ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना अतरौली क्षेत्र में एक गांव है चितनगला, वहां पर की घटना है, जिसमें एक जाटो पक्ष के घर पर एक बारात आ रही थी और गांव में उस बारात में कुछ लोगों से गांव के दूसरे पक्ष के लोगों के साथ झड़प हो गई उनकी, कुछ सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके पश्चात दोनों पक्षों में कुछ ईंट भी चलाए गए और दोनों पक्षों को चोट भी आई है। और इस संबंध में थाने पर इन जो जाटों पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर SC ST और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा कोई सुनियोजित नहीं था और ये बारात को लेकर वहीं पर कहासुनी हो गई, इसलिए ऐसी घटना हुई। अब इसमें गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, कल ही FIR दर्ज। दरअसल अतरौली क्षेत्र के गांव चितनगला के रहने वाले दलित समाज के कालीचरण की बेटी की शादी गांव सिमथला निवासी नीरज कुमार के साथ 30 नवंबर को थी और जब दूल्हा अपने बारातियों के साथ अपनी गाड़ियों में सवार होकर बारात लेकर गांव पहुंचा तो उसी दौरान दलित समुदाय की बारात गांव के रास्ते गलियों के अंदर से होकर गुजर रही थी। तभी गांव के रहने वाले सरवण जाति के जाट समुदाय के लोगों ने बारात को रोक लिया और बारात को रोककर अन्य रास्ते ले जाने का दबाव बनाने लगे। जब दलित समुदाय के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया तो जाट समुदाय के लोगों ने दलित बारातियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दलित परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मामले में दबिश दी जा रही है, हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।